हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता किचन। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उड़द दाल की खस्ता कचौड़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। और ये देखिए, ये कितना फूला है और बिल्कुल खस्ता बना है। उड़द दाल की कचौड़ी आपने कई बार बनाई होगी और खाई भी होगी। एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई करें और देखिए इसका स्वाद कितना अच्छा लगता है। हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में एक छोटी सी घंटी आएगी, उसे दबाकर आल पर क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उड़द दाल की कचौड़ी बनाने के लिए हमने एक कप छिलके वाली उड़द का दाल लिया था। इसे हमने 2-3 घंटे पहले पानी में भिगा दिया था। अब ये अच्छे से फूल गया है। इसे हमने धुलकर इसके सारे छिलके निकाल दिए हैं। अब हम सारे दाल को मिक्सर जार में डालेंगे और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। इसे हम महीन बिल्कुल नहीं पीसेंगे। अगर इसमें एक एक दाल खड़े रहते हैं तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब हम इसे बंद करके पीस लेंगे और इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। इसे हमने बिना पानी डाले ही दरदरा पीस लिया है। ये देखिए, इस तरह का पेस्ट बना है। अब हम गैस पे एक पैन रखेंगे और इसमें हम एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप जो भी ऑयल यूज करते हैं इसमें डाल दें। 1/4 चम्मच हींग डालेंगे और 1/4 चम्मच सौंफ डालेंगे। 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे और आधा चम्मच इसमें हम जीरा डालेंगे। अब इसे हम चटकने देते हैं। गैस को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है और इसी में हम 1/4 चम्मच मंगरायल यानी कलौजी डालेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी हम गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे और इसमें हम 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे यानी कोरिएंडर पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे चटपटा करने के लिए 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। और अब इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट अनुसार डालें। अब सारे मसाले को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 मिनट भून लेंगे। इस समय गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो सूखे मसाले हैं जलने लगेंगे। और अब इसमें हम उड़द का पेस्ट डालेंगे जो हमने पीस कर रखा है। हम सारे पेस्ट इकट्ठे ही इसमें डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम भूनेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक दाल का कलर थोड़ा चेंज न हो जाए और दाल अच्छे से सूख न जाए। उड़द का दाल भूनते समय ये चिपकता बहुत है, तो इसे हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे ये नीचे लगने न पाए। अब इसका कलर चेंज होने तक इसे हम अच्छे से भूनेंगे। बहुत लोग इसे कच्चा ही बनाते हैं, लेकिन इस तरह से भून कर बनाने से ये खाने में भी टेस्टी होता है और स्टफिंग अच्छे से सूख भी जाता है, जिससे कचौड़ियाँ भरने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसे हम भून के इसके पानी अच्छे से सुखा लेंगे। इसे हमने 4-5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। अगर कसूरी मेथी नहीं है तो आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही बना लें। अब ये अच्छे से सूख भी गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम इसका आटा तैयार करते हैं। कचौड़ी का आटा लगाने के लिए हम एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप मैदा डालेंगे। आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदा से ये ज़्यादा खस्ता बनता है। इसमें हमने 2 कप मैदा डाल दिया है। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डालें, क्योंकि हमने स्टफिंग में भी नमक डाला है। ये हमने 3 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और इसका मोयन बनाएंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा तेल और डाल देंगे जो बचा हुआ है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें 3 टेबल स्पून पूरा तेल इसमें डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम लड्डू बनाकर देखेंगे। अगर ये लड्डू बनने लगे तो समझ लीजिए कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है और मोयन भी अच्छा बना है। इस तरह से हम इसके लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, ये लड्डू बन रहा है यानी मोयन बिल्कुल रेडी है। इसमें हमने 1 चुटकी बेकिंग सोडा यानी खाने वाला मीठा सोडा भी डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका आटा लगाएंगे
पानी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। हल्के से गुनगुने पानी से मैदा गूंदें तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से गूंदते जाएंगे। हमें इसे ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस अच्छे से बैंड करना है। बहुत ज़्यादा गूंदने से खस्ता अच्छा नहीं बनेगा, बस इसे हम हल्का सा बैंड कर लेंगे। और ये देखिए, इसे हमने अच्छे से बैंड कर लिया है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। आटा तैयार हो गया है। अब इसे हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10-15 मिनट में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और सेट हो जाएगा। आटा सेट हो रहा है, तब तक हम इसका स्टफिंग देख लेते हैं। ये ठंडा हो गया है अच्छे से। अब इसे हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे इसमें गाँठें ना रहें। और इसमें से हम थोड़ा थोड़ा स्टफिंग लेकर इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, तो इससे कचौरियाँ भरने में आसानी रहेगी। ये देखिए, इसी तरह से हम 4-5 बॉल बना के तैयार कर लेंगे। हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे किया है। अब हम कचौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। इसे हमने 15 मिनट रख दिया था। अब आटा अच्छे से सेट हो गया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम हल्का सा मसल लेंगे। अब इसमें से हम एक छोटे साइज के नींबू के बराबर आटा तोड़ लेंगे और इसे हम गोला करेंगे। अब इसे हम प्रेस करेंगे और इसे हम थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। अब इसे हम बढ़ाते हुए इस तरह से कटोरी की तरह बना लेंगे। इसे हम थोड़ा थोड़ा हाथ से ही बढ़ा लेंगे। इसे हम हाथ से ही कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे और भी इसे हम थोड़ा थोड़ा दबाते जाएंगे, तो थोड़ी देर में कटोरी जैसा बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसे हमने बिल्कुल कटोरी जैसा बना लिया है। अब इसमें हम एक गोले डालेंगे जो हमने बना के रखे हैं और इसे हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्टफिंग दबाते जाएंगे और ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इसे हम इस तरह से दबाते हुए फोल्ड करेंगे जिससे स्टफिंग बाहर ना निकले चलते समय। और इसे हम अच्छे से पैक कर लेंगे और ये जो बीच में थोड़ा सा बचेगा इसे हम निकाल देंगे और इसे हम प्रेस करेंगे। और ये देखिए, अब कचौड़ी बन के बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हम और भी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे। इसे कटोरी जैसा बनाएंगे, स्टफिंग डालेंगे और इसे हम सेम टाइप से पैक कर लेंगे। ये हमने 6-7 कचौड़ियाँ बना के तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब इसे हम थोड़ा बेल के बड़ा कर लेंगे। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं और इसे थोड़ा सा बेल के बढ़ा लें तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा। और ये देखिए, ये कचौरी बन के बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हम और भी कचौरियाँ बेल के तैयार कर लेंगे। हमने 6-7 कचौरियाँ बना के रख लिया है। अब इसे हम फ्राई करते हैं। तेल हमने पहले से गर्म होने के लिए रखा था। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है। हम एक स्टिक डालेंगे और चेक करेंगे, बॉल्स आ रहा है, यानी तेल गर्म हो गया है। गैस को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे। हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कचौरियाँ फ्राई करना है, तो इसमें हम कचौरियाँ डाल देते हैं एक एक करके। जितनी कचौरी इसमें आ जाएगा उतना हम डाल देते हैं। इसमें हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2-3 ही डालेंगे जिससे कचौरियाँ अच्छे से फूल जाए। ज़्यादा डाल देने से कचौरियाँ अच्छे से फूलेंगी नहीं। अब इसे हम इसी तरह 1-2 मिनट छोड़ देते हैं। हम हल्का हल्का सा तेल हिलाते रहेंगे तो थोड़ी देर में कचौरियाँ फूल कर ऊपर आने लगेंगी। अब धीरे धीरे कचौरियाँ तैर कर ऊपर आ रही हैं। अब ये हल्की हो रही हैं, ये देखिए, और फूल भी रही हैं। अब इसे हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये और अच्छे से फूल जाएंगे। अब ये फूल गई हैं। अब इसे हम धीरे से पलट देंगे और इसे अच्छा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गैस को हमने लो फ्लेम पे ही रखा है। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई ना करें, नहीं तो कचौरियाँ ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब ये हो गया है, ये अच्छा ब्राउन हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसके हम तेल छान लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे। और ये देखिए, ये कितना अच्छे से फूल गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी में हम सेम टाइप से और भी कचौरी डालकर फ्राई कर लेंगे। और ये हमारी दूसरी कचौरी अभी हो गई है। और ये देखिए, ये अच्छे से फूल गया है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब गर्मा गर्म फूली फूली खस्ता कचौरी बन के बिल्कुल रेडी है। अब बारी आती है इसे खाने की, तो आप इसे किससे खाएंगे? आप इसे हरी धनिया की चटनी, टोमेटो सॉस, चिली सॉस या फिर चाय या कॉफ़ी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे बनाएं, खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कि आपने इसे कैसे बनाया और ये आपको खाने में कैसा लगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज बस 2 सेकंड मुझे देकर हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।